थक गई आज तो मैं। शादी के फंक्शन कितनी देर तक चलते हैं, ऐसा लगता है कि लोगों को घर जाना याद ही नहीं रहता। और वो अमार की नानी, वो तो ऐसी तसल्ली से बैठी हुई थी जैसे उन्हें घर जाने की जल्दी ना हो। मैं तो अमार की नानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई, उनकी वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है, वरना हम किस किस को जवाब देते। रिश्तेदार तो खैर आज भी सवाल कर रहे थे कि माया की शादी इतनी सादगी से क्यों कर दी, और फरिया की शादी में माया क्यों नहीं नजर आ रही। तो बता देना था तो तुमने कि माया का शौहर बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसे वाला, लेकिन भाई उसे खुद नुमाई पसंद नहीं है, वो शो ऑफ नहीं करता, इसलिए हमारी मजबूरी थी तो हमने खामोशी के साथ इंतहाई सादगी के साथ निकाह कर दिया। तंज कर रहे हैं? खूब समझती हूँ मैं। मेरी ये मजाल कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तंज करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक लिस्ट बनाई है मैंने उसके जहेज की, कुछ जरूरी चीजें हैं जो कल तक पहुंचानी है, बाकी चीजें तो जाती रहेंगी, ये देख लो। और हाँ, एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें कल राणा के साथ जाना पड़ेगा और कपड़े लेके आने पड़ेंगे उसके। अब इतनी जल्दी जल्दी में मेरी समझ में तो और कुछ नहीं आ रहा भाई। इतनी जल्दी में इतना जहेज कैसे खरीदा जा सकता है सिराज साहब? क्या मतलब है तुम्हारा? अजीब बात कर रही हो तुम। मतलब तुम क्या चाहती हो, मैं बगैर जहेज के भेज दूं उसे? ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर है अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि माया जितना जहेज दूं, लेकिन अपनी हैसियत औकात के मुताबिक मैं जो कुछ दे सकता हूँ जरूर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उधार ही क्यों लेना पड़े। मेरी बात को समझने की कोशिश करें सिराज साहब, एकदम इतना सब कितना है? बहुत तो नहीं, जितना माया लेके गई है अगर उससे मुकाबला करें तो कुछ भी नहीं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके पास ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, वो ज्वेलरी जो उसकी माँ छोड़ के गई थी। भाभी के पास बहुत जेवर था, देखो जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया। खैर, अब वो फरिया की मलकियत है। मुझे ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि वो अपने साथ सब कुछ लेके जाएगी, इसमें हमारी भी इज्जत है ना। मैंने लिस्ट बनाई थी उसकी ज्वेलरी की, ये रखी है कहीं, कहाँ रख दी? ये अब ये चेक कर लो, सारी चीजें पूरी कर लो, वरना मसला ना हो जाए खुदा ना खास्ता, अगर एक चीज भी कम हुई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अम्मार तुम्हारी किस्मत में लिखा था फरिया, इसीलिए तुम्हें मिलना ही था। माया वो तो बस ऐसे ही बीच में आ गई थोड़े से वक्त के लिए। बीच में तो मैं आ गई थी, अम्मार और माया के। अम्मार तो यही सोचता होगा ना, बहुत गुस्सा आता होगा उसको मुझ पर। अम्मार बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता फरिया, वो जानता है कि माया ने खुद शादी से इनकार किया क्योंकि वो सलमान को पसंद करती है। और इस तरह माया ने अपनी सबसे बड़ी खुशी भी पूरी कर ली। उसने एक दफा भी ये नहीं सोचा होगा कि उसके पीछे यहाँ कौन क्या भुगतेगा। फरिया तुम माया के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, तुम्हें और माया में जमीन आसमान का फर्क है, तुम बिल्कुल उस जैसी नहीं हो। और मैं तो कहती हूँ कि तुम माया से मिलो भी मत, भूल जाओ उसको। राणा, इस दुनिया में सिर्फ खुदगर्ज लोग ही खुश रहते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और अपनी खुशी के लिए किसी को भी पैरों तले रोंद देते हैं। फरिया तुम देखना मार के साथ कितना खुश रहोगी, उसे बहुत जल्द तुम्हारी सारी अच्छाइयां पता चल जाएंगी। वो तो मुझसे भी ज्यादा काबिले रहम है, ठुकराए जाने की अजियत और एक अनचाहे शख्स का साथ, पता नहीं क्या सोचता होगा वो। प्लीज लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही। अजीब लापरवाह औरत हो तुम, सारी जिंदगी में तुम्हें समझाता रहा कि ये जेवरात घर में नहीं रखने चाहिए, बैंक में लॉक कर लो और वहां रखो, लेकिन कोई बात मानती ही नहीं हो तुम। इस वक्त नहीं मिल रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ढूंढ तो रही हूँ मैं, आप भी ना बस हर बात पर मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। बस सहसा मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मुझसे चाबी नहीं ढूंढी जा रही इस वक्त। अब मैं सुबह देख लूंगी, अभी अभी जाने दे। सुबह देख लेना,
वरना फिर मुझे बताना, मैं वो ताले वाले को बुला के लाऊंगा, उससे खुलवाएंगे, और क्या हो सकता है। आप भी अब आराम कर लेना, सुबह बहुत काम है। नहीं नहीं, मैं ये लिस्ट कंप्लीट कर लूं, ये बहुत जरूरी है। तुम सो जाओ, मैं बाहर बैठा हूं। ये लीजिए दुल्हन साहिबा, आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, जल्दी से कर लीजिए। तुमने क्यों बना लिया, मैं बना लेती ना। क्या गजब करती हो, और मैं यहाँ पर किस लिए हूँ? वैसे भी हमारे यहाँ पर दुल्हने काम नहीं करती, हालांकि नानी को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना, मुझे जरा अकेले में फरिया से कुछ बात करनी है। बढ़िया मी, सब कुछ खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है फरिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरा साहब को पता चल गया ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम मुझे बचा लो। लेकिन बताए तो बड़ी अम्मी, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें सुनकर बुरा तो बहुत लगेगा फरिया, लेकिन तुम ही मुझे बचा सकती हो। सरा साहब को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, उनकी तो सेहत वैसे ही ठीक नहीं है। मुझे डर है कि मजीद उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। खुदा ना करे बड़े अब्बा को कुछ हो, आप मुझे बताएं तो क्या करना है, मैं कर लूंगी। मैं तुम्हारा ना सारा जेवर बना दूंगी, बल्कि मैंने सोचा हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सारा जेवर बना के तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो गई, मैं कुछ कर नहीं सकी। लेकिन तुम फिक्र मत करना, माया आ जाए, मैं माया से बात करूंगी, उससे पैसे ले लूंगी, और फिर तुम्हारे सारे जेवर बनाकर तुम्हें दे दूंगी। बड़ी अम्मी आप क्या कह रही है, प्लीज मुझे बताएं तो हुआ क्या है। तुम्हें फरिया पता है ना कि तुम्हें अपने बड़े अब्बा से क्या कहना है? देखो फरिया, तुम ही हो जो इस वक्त इस बड़े हंगामे को टाल सकती हो। सिराज तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लेंगे, मैंने सेफ की चाबियां पहले ही छुपा दी हैं। ये बात इस वक्त आसानी से टल जाएगी, बात की बाद में देखी जाएगी। अब चलो। बड़ी अम्मी, आपने अम्मी का सारा सेवर दे दिया, कोई भी चीज बाकी नहीं रही आपके पास। उनकी कोई एक तो निशानी होगी ना आपके पास, कुछ भी। एक आध अंगूठी वगैरह पड़ी है, वो तुम अपने पास रख लेना, फिलहाल इस मसले को तो हल करो ना। मेरे सर पे मुसीबत बनकर खड़े हैं सिराज साहब, पूरी रात सो नहीं सकी मैं सर से। चलो। सिराज साहब, वो फरिया को आपसे कोई बात करनी थी। मैंने मना भी किया कि तुम्हारे बड़े अब्बा नहीं मानेंगे, लेकिन जिद करने लगी कि मुझे बात करनी है, तो मैंने कहा कि खुद चलकर ही कह देती हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना है? वो बड़े अब्बा, मैं कह रही थी कि मेरी अम्मी का जो जेवर बड़ी अम्मी के पास है, वो कुछ दिन यहीं रहने थे। मैंने कभी इतनी चीजें संभाली नहीं है ना, मुझसे कुछ ना कुछ जरूर खो जाएगा, मैं कुछ दिन बाद ले लूंगी। ये सबक तुम पढ़ा के लाई हो ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम ऐसा क्यों करोगी? सही कह रही हो नाजरा, तुम ऐसा क्यों करोगी भला? तुम ये सब कुछ इसलिए करोगी, इसलिए करोगी ऐसा। तुम ऐसा इसलिए करोगी
ये शर्म आनी चाहिए तुम्हें।